तो हे गाइस कैसे हो आप सब आई होप आप सब बढ़िया ही होगी नहीं भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक काम की बात सुनो नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं है ये आपके भाई की चीज है और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तो रिसेंटली आई हैव लॉन्च माय वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉटूरी स्टाइलिंग डॉट कॉम यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट देखने को मिलेगा मैनस लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ग्रूमिंग से रिलेटेड फैशन से रिलेटेड यानी कि वो सारी चीजें जो कि मेन्स लाइफ स्टाइल के अंदर आती है फैशन ग्रूमिंग वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आपको छोटे आर्टिकल से लेकर बड़े आर्टिकल तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा एंड ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप जा सकते हैं वहां पर पढ़ सकते हैं अच्छे से इन सभी चीजों के बारे में फुल डिटेल में बनाएंगे कभी क्या होता है? में हम नहीं बता पाते वेबसाइट एंड वहां पर आपको बेहतरीन कॉन्टेंट देखने को मिलते रहेंगे इन फ्यूचर भी अभी मैंने आर्टिकल पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया और आगे भी आपको मिलते रहेंगे आज की वीडियो में हम बात करने वाले विदाउट हेयर ड्रायर एंड विदाउट हेयर वैक्स तो स्टार्ट

बाद फिंगर से आपको अपने हेयर को स्टाइल करना है जब तक वो पाउडर इनविजिबल नहीं हो जाता अच्छे से स्टाइल करें उसके बाद देखना आपके हेयर थोड़े से ड्राई हो जाएंगे एंड उन पर काफी अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा तो ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छा तरीका है अगर आप हेयर ड्रायर और वैक्स का यूज नहीं करना चाहते और अगर आपके हेयर टाइप ऑयली है देन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हेयर बैंड जी हाँ ये पांच से पंद्रह रुपए की चीज आपके हेयर में बहुत जबरदस्त वॉल्यूम ला सकते हैं बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको प्लेन वाला हेयर बैंड यूज करना है ये जिगजैग वाला यूज नहीं करना है भाई ये मेरे पास है तो इसकी कुछ खामियां भी बता देता हूं कि इस

जबरदस्त चीज है पांच से पंद्रह रुपए का एक बार का इन्वेस्टमेंट और काफी लंबे टाइम तक चल जाएंगे चाहिए बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में ये थोड़ा टाइम टेकिंग है बट भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त है स्टाइल योर हेयर इन ऑपोजिट डायरेक्शन अब आपको मैंने ये बहुत बार बताया कि जिस तरफ हम अपने हेयर ज़्यादातर स्टाइल करते रहते करते रहते तो उस तरफ हमारे हेयर झुकने लग जाते हैं तो अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने हेयर स्टाइल करोगे ना तो उन पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा तो इसीलिए ये ट्राई करें बट यहाँ पर एक चीज़ है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा तो आपको क्या करना है पहले दिन आपके हेयर डेफिनेटली स्टाइल नहीं होने वाले पहले दिन आपके हेयर लगेंगे बहुत ज़्यादा बट इसे आप ट्राई करते रहोगे ट्राई करते रहोगे दो से चार दिन में आपके हेयर डायरेक्शन में स्टाइल होने और फर्स्ट डे से डायरेक्शन में जिससे कि आपके डायरेक्शन में जल्दी से स्टाइल होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड देन आपको दिखेगा आपके पर बहुत तो आप आप ही जबरदस्त वॉल्यूम पर काफी टाइम चल जाएगा बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट एंड सबसे ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट के बारे में हेयर कट इन डिसेंडिंग ऑर्डर जी हाँ मित्रों जब हम हेयर कट डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाते तो हमारे क्या होता है कि पीछे के हेयर जो होते हैं वो हमारे आगे के हेयर को सपोर्ट करते हैं जब भी हम क्विफ बनाते हैं लाइक दिस ऐसे कुछ करके हमारे पीछे के हेयर हमारे आगे के हेयर को सपोर्ट करते हैं और उन पर काफी अच्छा होल्ड और वॉल्यूम हमें देखने को मिलता है एक अच्छा क्विफ बन जाता है आपको क्या करना है बेसिकली आपके आगे के हेयर बड़े होने चाहिए और पीछे जाते जाते वो धीरे 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 कुछ इस तरीके से छोटे होने चाहिए और ऐसा ही मैं भी हमेशा करवाता हूँ इससे काफी ज़्यादा जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिलता है भाई बस एक काम आपको हेयर कट के दौरान करना है और उसके बाद आपको जब तक आप हेयर कट नहीं करवाते तब तक आपके हेयर पर बहुत ज्यादा जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिलेगा तो इसीलिए तो so, इन सभी चीजों को जरूर ट्राई करें एंड कॉमेंट सेक्शन में बताए आपको इस पर कितना ज्यादा रिजल्ट मिला एंड कैसा लगा यह तरीका सो so, बस गया था आज की वीडियो में आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाड़ा